क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमको एक वृत्त दिया गया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। इस वृत्त का केंद्र क्या होगा? 0 0। इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? a, ना तुलना करने पे। अच्छा, ये कौन सी रेखा है? ये रेखा होती है x बराबर a, किसका समीकरण होता है? y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण है दिया गया है। मतलब ये जो भी रेखा बनेगी किसके समांतर बनेगी? y अक्ष के। बनेगी नहीं बनेगी? जैसे मैंने कहा x बराबर 2, कौन सी रेखा है? y अक्ष के समांतर रेखा है। तो हमको पहले इन दोनों के ग्राफ ड्रा करने हैं। तो ग्राफ ड्रा करने तो क्या करिए, सबसे पहले क्या बना ले हम लोग? वृत्त। इस वृत्त का केंद्र क्या होगा? 0 0। इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? a कॉमा 0, x में a, y में 0। अच्छा, इस रेखा का कैसा बनेगा? y अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण है ये, y अक्ष के समांतर रेखा। इस रेखा का नाम क्या दे दे? x बराबर a बाई रूट 2। इस सवाल में दो बातें बोली गई हैं, इससे घिरे। अच्छा, इससे दो हिस्से घिर रहे हैं, एक इधर का हिस्सा घिर रहा है और एक किधर का घिर रहा है? इधर का घिर रहा है। लघु क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लघु वाला कौन सा होगा? इस साइड वाला, ना इस साइड वाला हिस्सा होगा। तो हमको इतने का निकालना है। हल्का सा मैं पॉइंट रख देता हूं। अच्छा, इतने का क्षेत्रफल निकालना है तो यहां से यहां तक का, ऊपर का बस निकाल लें और किसका गुणा कर दें? 2 का। तो पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। निकालना है तो यहां पे क्या काटेंगे? एक छोटी सी पट्टी काट दे आयताकार। अब आयताकार नहीं है एक्चुअली में, लेकिन लगभग लगभग आयत है। और इसकी ऊंचाई क्या मान लें? वाई। और चौड़ाई डीएक्स। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। 2 का गुणा क्यों कर दें? ऊपर का निकाल ले, नीचे का भी आ जाएगा। ऊपर का निकाल ले, दुगुना कर देंगे तो नीचे का भी आ जाएगा। लेकिन अब लिमिट रखनी है एक्स की। एक्स की लिमिट का मतलब एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? क्या कोई बता सकता है एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? अच्छा, फाइनल तो ए है। अपर यूनिट क्या है? ए है भाई, ये तो आखिरी है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हुए? ए बाई रूट 2, 0। अरे एक्स बराबर ए बाई रूट 2 का मतलब एक्स बराबर ए बाई रूट 2 तो हर जगह, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। वाई बदल रहा है, यहाँ पे वाई कितना होगा? 0। तो लिमिट क्या रख देंगे? ए बाई रूट 2 से 0। और वाई की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे? किससे? वृत्त के समीकरण से, क्योंकि सिर्फ किसको टच कर रही है? पट्टी वृत्त को बस टच कर रही है। वाई की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस y का मान यहाँ पे रख देना है, समाकलन कर लेना है, आंसर निकाल लेना। तो a बराबर 2 into a by root 2 से a, y की जगह रखे a square minus x square dx। इसका सूत्र ओपन करना, सूत्र ओपन करने के बाद इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट देखते हैं, एक बार पूरा कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं कि क्या बनता है, कैसे बनता है। a बराबर हो जाएगा 2 into, अच्छा इसका सूत्र याद है आप लोग को? देखिए, इसका बड़ा सा सूत्र होता है, एक तरफ x बाई 2 लिखें, एक तरफ क्या लिखें? a स्क्वायर बाई 2, और जो है उसी को उतार दें। इधर क्या होगा? साइन इनवर्स x बाई a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब लिमिट लगाएं तो देखें क्या आता है। लिमिट लगाने में इन क्वेश्चंस में होता है कि सही से लगा दें, सही से हल कर लें, जो आ जाए वही इसका आंसर है। तो ये है क्षेत्रफल जो लघु भाग का, दीर्घ भाग का पूछता तो पूरा इधर का, ना लिमिट यहां से यहां तक रखते, ना इसमें प्रथम चतुर्थांश बोला, ना तो एक्स अक्ष बोला, सीधा सीधा बोला कि जो भी क्षेत्र हो। सिर्फ एक्स अक्ष बोल देता तो नीचे का नहीं लेते, मतलब 2 का गुणा नहीं करते, ना प्रथम चतुर्थांश बोल देता तो भी नीचे का नहीं लेते कि इसके ऊपर इसके नीचे का। तो इस तरीके से हमको इनमें थोड़ा सा ध्यान दिया जाता है कि क्या वर्ड बोला है, कुछ नहीं बोला है तो समझ लीजिए जो हिस्सा बन रहा पूरे का निकालना है। अब ये तो रहा इसका समाकलन, इस पे मैं लगाता हूँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। a बराबर 2 into, x की जगह हमको क्या लिखना? पहले अपर लिमिट लगाते हैं a बाई 2। देखिएगा, a बाई 2 रखूँगा तो पूरा क्या हो जाएगा? 0। x की जगह a रखेंगे, 0। यहां पे ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स, एक्स की जगह कितना रखना है? ए,
ए अपॉन ए वन हो जाएगा, वेरी गुड। प्लस माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट तो रख गई, माइनस लोअर लिमिट, एक्स की जगह अब कितना रखना है, ए बाई रूट टू, यहाँ पर भी रखना है, यहाँ पर भी रखना है, जहाँ जहाँ एक्स दिखे। जैसे यहाँ पर ए बाई रूट टू रखूँगा तो ये क्या बन जाएगा, ए बाई रूट टू इंटू टू, ए स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स की जगह क्या रखना है, ए बाई रूट टू, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन टू। अब इसमें रखना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पीछे से माइनस का गुणा होगा तो माइनस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स, एक्स की जगह कितना रख देंगे, ए बाई रूट टू, लोअर लिमिट है रख रहे हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ए बाई रूट टू इंटू ए। अब इसको सॉल्व कर ले, ए बराबर टू, अच्छा इसका मान कितना हो जाएगा, ए से साइन नब्बे, एक साइन में कितने का मान होता है, साइन नब्बे का, साइन से साइन कैंसिल, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, पाई बाई टू माइनस, क्या इसको और सॉल्व किया जा सकता है, इसका क्या ले लेंगे, एलसीएम, तो टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से क्या बाहर आ जाएगा, ए, ए बाहर आ जाएगा तो ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर, अपॉन में क्या है रूट टू, रूट टू का रूट टू से मल्टीप्लाई होगा, टू और दो दुनाई चार, टू टू जो फोर, माइनस ए से ए कैंसल, अच्छा कितने का मान है होता है, वन अपॉन रूट टू साइन पाई बाई फोर ना, पैंतालीस का, साइन से साइन कैंसल और यहाँ पे क्या बचा, ए स्क्वायर पाई, अरे पाई बाई फोर का मतलब है कि इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाना, ये है फाइनली, और जो कॉमन है कॉमन ले ले, नहीं तो जो बचे वही आंसर है, जो बचे वही इसका आंसर है, ए बराबर आ गया टू, क्या कॉमन है सबसे, ए स्क्वायर अपॉन फोर, यहाँ पे क्या बचेगा पाई, ए स्क्वायर बाई फोर निकल गया, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस वन, यहाँ से ए स्क्वायर बाई फोर निकल गया तो क्या बचा माइनस पाई बाई टू। और भी थोड़ा सा हल करें तो एलसीएम वगैरह ले सकते हैं, तो इसका फाइनली आंसर आएगा, जो भी लिख दे वही आंसर है, और लास्ट में मात्रक में क्या लिख देंगे, वर्ग इकाई, और अगर थोड़ा सा हल करना चाहें तो फिर से एलसीएम ले सकते थे। तो क्वेश्चंस आसान हैं, बशर्ते हमको समझना है कि क्या रीज़न है, किस रीज़न में कौन सी लिमिट लगानी है, फिर कौन सा वक्र रखना है, वक्र रखने के बाद सूत्र खोलना है, समाकलन आना चाहिए, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फाइनल आंसर मैटर करता है कि आप प्रैक्टिस होगी तो सही से आ जाएगा, कई बार लगाना पड़ेगा, तो ये इसका सॉल्यूशन है। ए बराबर टू ए स्क्वायर बाई फोर, एलसीएम ले लेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख दूं टू पाई माइनस पाई, पाई माइनस वन बाई टू, इतना पाई माइनस टू बाई टू, जब आप एलसीएम लेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा, इसको और बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ पे वर्ग इकाई लिख दे। तो इजी क्वेश्चंस है, इजी के साथ साथ इनका सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा है, इनका सॉल्यूशन हल्का बड़ा है, तो चार दूनी आठ, क्वेश्चन नंबर आठ नौ, ये दोनों अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में मूव कर जाएंगे, आठ नौ इसके बाद तो सब आसान है अगर आपको पता है। अब इसको मत उतारिए, इसको घर पर ट्राई करिए कि कैसे लिमिट रखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ना, वो तो फिर लगाना ही लगाना है, पता हो लिमिट क्या से क्या रखनी है और सूत्र कौन सा लगना है, वो सारी चीजें हमको ध्यान से देखनी है, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना। तो क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर एट, देखिएगा ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा ये बताइएगा x बराबर वाई स्क्वायर, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, परवलयाकार तो बनेगा, लेकिन डायरेक्शन किधर की ओर होगी, ऊपर की ओर कि नीचे की ओर, दाएं कि बाएं, इस दिशा में, क्यों, अरे इसको सही से लिखें तो ये y स्क्वायर बराबर x ही तो लिखा है, अरे ये पहला वाला फॉर्म ना हो गया, उस दिन मैंने बताया था ना समाकलन शुरू करने से पहले कि सबसे पहले वक्र बनाना आना चाहिए,
ये लिया गया वाई स्क्वायर बराबर फोर एक्स टाइप का है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? एक्स अक्ष की धन दिशा में इसकी डायरेक्शन ओपन होगी, लेकिन बनेगा परवल है। चलिए और आगे देखते हैं, मैं कौन सा बता रहा हूँ, हाँ आठवां, एक्स बराबर चार। एक्स बराबर चार का मतलब क्या है? एक्स बराबर चार का मतलब है कि वाई एच के समांतर है, कहीं ना कहीं पे होगी। मान लेते हैं ये क्या है आपकी एक्स बराबर चार, ये रेखा का समीकरण है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? चार कॉमा जीरो। अच्छा मैं आपसे पूछूं, इस पॉइंट के क्या हो जाएंगे? जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी लिखना चाहें तो क्या हो सकता है? एक्स की जगह कितना रख दूंगा? चार। ये दोनों कहां पर काटते हैं, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस, तो इसका मतलब है चार कॉमा दो, और प्लस माइनस का मतलब एक्स तो चार ही रहेगा पर वाई माइनस दो नीचे भी हो सकता है ना। जरूरत नहीं, फिर भी हम लिखते जाएं एक पॉइंट को। से घिरा हुआ क्षेत्रफल, इससे ये पूरा घिरा हुआ क्षेत्रफल है। अच्छा इतने हिस्से का क्षेत्रफल निकालना होता तो क्या करते? एक पट्टी काटते और क्या कर लेते, पट्टी काटने के बाद इसका सॉरी लिमिट क्या रख देते, वाई डी एक्स जीरो से ये वाई का मान यहाँ से रख लेते, हल कर लेते, आंसर निकाले। ये पहला सवाल है, पहले दूसरे सवाल है। इसमें आगे कुछ और बोल रहा है, से घिरा क्षेत्रफल एक्स बराबर ए द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित होता है, कि मतलब जो भी क्षेत्रफल है पूरा, एक कोई और लाइन है, कौन सी लाइन है? एक्स बराबर ए इसके द्वारा दो बराबर भागों में विभाजित होता है। इस बात का मतलब क्या है? अरे एक्स बराबर ए और इधर हो सकती है, इधर का क्षेत्रफल इधर के क्षेत्रफल के क्या है? बराबर है। इधर का क्षेत्रफल इधर के क्षेत्रफल के बराबर है, तो ए का मान निकालिए। अच्छा बेटा इधर का क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं? इसको मैं मान लेता हूँ ए वन, ना इधर के हिस्से के क्षेत्रफल को, इधर के हिस्से के क्षेत्रफल को क्या मान लेता हूँ? प्रश्नानुसार ए वन किसके बराबर है? ए टू। क्यों बराबर है? कि ये लाइन बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करती है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? ए कॉमा जीरो हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? अच्छा इसके लिखने होते तो लिख देते, इसके लिखने पर जरूरत नहीं है क्योंकि हमको डीएक्स में सिर्फ ये लिमिट चाहिए। अच्छा इधर के हिस्से का क्षेत्रफल निकालना तो क्या करना पड़ेगा? एक पट्टी इधर काटनी पड़ेगी ना, इधर का निकाल लें, इधर का निकाल लें, दोनों को क्या कर दें? बराबर कर दें। जोड़ना नहीं है, बोल रहा है कि ए का मान निकालिए यदि इधर का क्षेत्रफल इधर के क्षेत्रफल के बराबर है, नहीं तो फिर अलग अलग क्यों करते? सीधा सीधा क्या कर देते, एक पूरा लगा के जीरो से चार तक ना, एक ही वक्र है। पर इसमें क्या बोल रहा है? इधर का क्षेत्रफल इधर के क्षेत्रफल के बराबर है, तो ए का मान निकालिए। बहुत डायरेक्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, सीधा सीधा फाइनली एक में मान लेता हूं ए वन, एक को क्या मान लेता हूं ए टू। प्रश्नानुसार ए वन बराबर ए टू, हम मान लेते हैं कि माना एक्स बराबर ए रेखा संबंधित क्षेत्रफल को दो बराबर भागों ए वन और ए टू में विभाजित करती है, तो ए वन बराबर ए टू। अब ए वन कैसे निकालेंगे, ए टू कैसे निकालेंगे? हल कल के एक मान निकाल लेंगे, दो बराबर भागों ए वन कॉमा ए टू में विभाजित करती है। अगर ए वन कॉमा ए टू में विभाजित करती तो ए वन बराबर ए टू, ए वन मीन्स इधर के हिस्से का क्षेत्रफल, ए टू मीन्स उधर के हिस्से का क्षेत्रफल। पट्टी में क्या मान लीजिए? वाई डी एक्स। ए वन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? दो गुणे। अच्छा दो का गुणा क्यों किया गया है? नीचे का भी चाहिए, प्रथम चतुर्थांश तो बोला नहीं है। वाई डी एक्स पर लिमिट किसकी रखनी है? डी एक्स की। अच्छा एक्स कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? ए वन इधर के हिस्से के लिए जीरो से, वेरी गुड। ए टू के लिए निकालना है दो गुणे, दो का गुणा क्यों किया गया है? नीचे का भी चाहिए। लिमिट कहां से, पहले लिख लें वाई डी एक्स, लिमिट कहां से कहां तक वेरी? ए से चार। अच्छा वाई का मान किससे रखेंगे? इसमें भी परवलय से, परवलय को टच कर रहा है, इसमें भी रखते लेकिन यहाँ y जीरो होता है इसलिए वो नहीं, उसको नहीं समझाया जाता। इसमें भी किसमें टच कर रहा है? परवल से, तो यहाँ पे और लिखना चाहें तो y सेम जगह से रखना है, सेम जगह से रखना है, टू इंटू
वाई की जगह क्या रख दूंगा, अंडर रूट एक्स डी एक्स, टू इंटू वाई की जगह क्या रख दूंगा, अंडर रूट एक्स डी एक्स, दो से दो क्या हो गया, कैंसल। रूट एक्स का क्या करेंगे, समाकलन। रूट एक्स का समाकलन क्या होता है, टू बाई थ्री, लिमिट क्या रख देंगे, जीरो से ए। इसका समाकलन क्या होता है, टू बाई थ्री, सेम समाकलन, x की पावर 1 बाई टू से, लिमिट क्या रख देंगे, जीरो से चार। क्या इसको हल करके आप एक मान निकाल सकते हैं, मैथमेटिकली करेक्ट है तो तुरंत आंसर आ जाएगा, बस लगाना चाहें तो लगा ले। क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन की अगर लैंग्वेज समझ में आ जाए, हम उसका ग्राफ बना लें तो आसान हो जाएगा, अगर ग्राफ नहीं बनेगा तो थोड़ा सा कठिन रहेगा। प्रश्नानुसार ये दोनों बराबर हैं, हमने दोनों को बराबर किया, बराबर करने के बाद फाइनली समाकलन किया, हल कर लिया। एक तरीका ये भी था कि मैं अलग अलग नाम भी आप दे सकते हैं, ए ओ एम एन, इसका क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल, तो इसलिए इसका ऐसे निकालेंगे, इसका ऐसे निकालेंगे, दोनों का अलग अलग निकाल के फिर बराबर दिखा दे, थोड़ा सा सवाल बड़ा हो जाता, पर तरीका वही है। अपन लिमिट रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जब दोनों तरफ बराबर लगा हो तो इम्प्लाइज दैट लगा देते हैं कि कॉपी अच्छी लगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये क्या बन गए, ए की पावर 3 बाई टू, यहाँ पे लिमिट गलत लिखी है, ए से 4 होगी, ए से 4, ए से 4, ए से 4, इसमें क्या होगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट जीरो हो जाएगी, अरे x की जगह जीरो रखेंगे तो पूरा जीरो हो जाना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। क्या इसको आप हल कर सकते हैं, अगर हल कर सकते हैं तो आंसर है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं, हमने दोनों के क्षेत्रफल को बराबर किया, उसके बाद अब सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा इधर 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 से इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, प्लस में, एक लाइन लिख दो नहीं तो मैं डायरेक्ट लिख देता बराबर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16/3, सही बोल रहे हैं भाई। 4 का क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, घात से घात गुणा हो जाएगा, 2 की पावर 3 का मान 8, 8 दोनी 16/3। अच्छा इन दोनों में क्या कॉमन है, ए की पावर 3/2, और 2/3 क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4/3, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 3 से 3, ए की पावर 3/2 कितना आ गया, 4 × 16 को क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं 4। अच्छा ए का मान कितना आ जाएगा, ए का मान कितना आ जाएगा, घात इधर से उधर जाएगी तो क्या हो जाता बेटा, पलट जाती है, बस यही बात, 4/2/3। मैं थोड़ा सा हटाता भी जाता हूं तो आप समझ लीजिएगा कैसे कैसे निकाला गया है, पहले a1 निकाला फिर a2 निकाला, a1 कैसे निकालेंगे a2 कैसे निकालेंगे, उसके बाद लिमिट रखनी है, लिमिट में x की लिमिटें रखनी है, समाकलन कर लेना है, आंसर निकाल लेना, फिर कैलकुलेशन आपका अच्छा होना चाहिए, अगर मैथ करनी है तो कैलकुलेशन तो आना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इन सबसे थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी है वही, कुछ नया नहीं है। समाकलन वाले चैप्टर में समाकलन आसान है, समाकलन थोड़ा सा कठिन है, अनुप्रयोग एकदम आसान है, अनुप्रयोग कभी भी कठिन नहीं होंगे, बशर्ते आपको ग्राफ बनाना आता हो और समाकलन करके लिमिट रखना आता हो ना, लिमिट की, क्योंकि कैलकुलेशन तो है, मैथमेटिकली इतना इजी नहीं है, पर तरीका आसान है, तरीके के बाद आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझना पड़ेगा, हल करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा इसमें 2 दिए गए हैं,
मॉड एक्स का ग्राफ आप लोग जानते हैं कैसा बनता है, कैसा वी शेप का ना। बोल रहा है इससे और इससे घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले तो इसका ग्राफ बनाएं, बाकी सारी चीज़ें बाद में देखें। फर्स्टली वी हैव टू मेक द ग्राफ ऑफ गिवन फंक्शन। अच्छा ये किस डायरेक्शन में खुलेगा, एक्स स्क्वायर बराबर वाई ऊपर की ओर, क्यों वाई स्क्वायर बराबर फोर ए एक्स नहीं है, ये किस टाइप वाला है, एक्स स्क्वायर बराबर फोर ए वाई ना। जब एक्स की घात दो हो वाई की घात एक हो तो समझ लीजिए इस तरीके से खुलेगा। अरे मान लेते हैं दोनों तरफ सिमेट्रिकल बनेगा, वो तो एक चित्र बनाने की बात है, ऐसे ऐसे चलिए ऐसा कुछ बनेगा, जैसा भी बन गया चित्र सही से नहीं मुझसे बनता। एक्स स्क्वायर बराबर वाई, वाई बराबर मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होगा, वाई बराबर मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होगा, वाई बराबर मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होगा, वी शेप, लेकिन इसका सेंटर कहाँ पे होता है, ओरिजिन में होता है कि नहीं होता। ये आपका ग्राफ है वाई बराबर मॉड एक्स। अच्छा इनसे संबंधित क्षेत्र कौन सा है जो दोनों से घिरा हो, एक हिस्सा तो इधर है, एक हिस्सा इस साइड के नीचे का है और एक हिस्सा इस साइड के नीचे का है, ऐसे ही कुछ तो है। ये क्या है, y बराबर मॉड एक्स का ग्राफ है। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है, दोनों तरफ सिमेट्रिकल होगा, सिमेट्रिकल का मतलब सममित, जितना इधर का हिस्सा होगा उतना इधर का होगा, क्योंकि ये भी दोनों तरफ बराबर है, ये भी दोनों तरफ बराबर, चित्र में लगे चाहे ना लगे। तो मैं एक तरफ का निकाल लूं और दूसरे का घटा दूं, ऐसे ही तो होगा ना। अब देखिए इसको मान लेते हैं वक्र फर्स्ट, इसमें इंपॉर्टेंस है क्यों, इसको क्या मान लेते हैं वक्र सेकंड, लेकिन कभी भी मॉडुलस फंक्शन डायरेक्ट नहीं करते हैं, इसको किस में खोलते हैं, प्लस में और माइनस में, इसको किस में खोलते हैं, प्लस में और माइनस में। तो इधर की जो लाइन है ना वो जानते हो किसको निरूपित कर रही है, वाई बराबर एक्स को, और इधर की लाइन किसको निरूपित कर रही है, y बराबर माइनस एक्स को। मॉड हमेशा दो में खुलता है, पॉजिटिव और निगेटिव। अच्छा इसमें एक पट्टी काटनी पड़ेगी, तो मान लीजिए आपने ऐसा कुछ काटा, अब इसमें y dx नहीं लिख सकते हैं, रीजन क्या है, देखिए अब नीचे से ये नहीं है, एकदम नीचे तो नहीं है, एक हिस्सा ऊपर का है एक हिस्सा इसका है ना, तो ऊपर वाले मैंने क्या माना है y2, तो इस पर क्या लिख दें y2, जो उससे संबंधित है, जो उससे टच कर रही है, और दूसरे वाले हिस्से क्या माना है y1, इसका मतलब y2 पूरी लंबाई है, y1 इतने लंबाई है, तो इतने हिस्से की लंबाई कितनी हो जाएगी, इतने हिस्से की लंबाई कितनी हो जाएगी, y2 माइनस y1, वेरी गुड, y2 माइनस y1, और ये तो dx ही है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो समझिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन हो नीचे से ना लगा हो तो आपको दोनों वक्रों को एक साथ कंसीडर करना पड़ेगा, इन पे एक नाम दे दे कि कन्फ्यूजन खत्म हो जाए। y2 का मतलब यहाँ से y का मान किससे रखना है, इससे, और y1 का मतलब यहाँ पे y का मान किससे रखना है, इससे ना y का मान, और ये हमने बनाया, पूरा नहीं टच है तो y2 माइनस y1, y2 मींस पूरी ऊंचाई, y1 मींस तो इतने भाग की ऊंचाई, y2 माइनस y1 लंबाई गुणे चौड़ाई, ये आपका dx तो है ही, पर मॉडुलस फंक्शन डायरेक्ट नहीं करेंगे तो इसको दो पार्ट्स में ओपन करेंगे, जब भी कभी लिखा हो y बराबर x और माइनस x, इस पे क्या लिख देते हैं, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। अब ये तो हो गया, पर लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखनी है, लिमिट किसकी रखनी है, x की। अच्छा लोअर लिमिट x का मतलब कहाँ से कहाँ तक x वेरी करेगा ना। अच्छा यहाँ से ये समझें तो ये तो x हो गया जीरो जीरो, तो मतलब लोअर लिमिट क्या है, जीरो। अपर लिमिट का मतलब यहाँ पे x का मान क्या है, जहाँ पे काट रहे हैं, कैसे पता चले दोनों वक्र कहाँ पे काटते हैं, तो किसको किसको हल कर ले, इसको और इसको हल करने पर। सबसे पहले केस कंसीडर करें x ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो के लिए, तो y बराबर कितना रख सकते हैं,
एक्स रखने पर, मतलब एक्स सच में कहां पर काटेगा, ये है देखने प्रथम चतुर्थांश। माइनस एक्स का मतलब द्वितीय, वाई बराबर एक्स रखने पर तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया, एक्स, एक्स बराबर क्या आ गया, डायरेक्ट लिख दूं, जीरो कॉमा एक, जीरो कॉमा एक क्यों किया गया है, वो ठीक है एक्स बराबर एक, एक तो कट जाएगा, इधर से इधर आएगा तो किस में आएगा, माइनस में, दोनों में क्या कॉमन हो गया एक्स, इसका मतलब एक्स ये या तो ये जीरो है या तो एक्स के दो मान मिलेंगे जीरो कॉमा एक, एक्स जीरो है तो वाई कितना है, जीरो, एक्स एक है तो वाई कितना है, एक, तो ये पॉइंट कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, वन कॉमा, ये क्या हो जाएगा वन कॉमा, सिमिलरली जानते ये क्या आ जाएगा माइनस वन कॉमा वन, पर इधर का हमें नहीं रखना, माइनस एक्स रखते तो फिर हल करते, इधर से उधर जाता, एक मान जीरो मिलता, एक मान माइनस का वन मिलता, एक्स माइनस वन तो वाई वन। अब एक्स की लिमिट कहां से कहां तक गई, जीरो से वन, लेकिन अभी ये सही नहीं है, क्यों, इसमें कितने का मल्टीप्लाई कर दें, टू का, टू का क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कि हम सिर्फ इधर के हिस्से का निकाल लें, दोनों साइड का निकालना है, सिर्फ इधर के हिस्से का निकाल लें, इतने हिस्से का, माइनस क्यों किया गया, क्योंकि नीचे से टच नहीं है, नीचे से टच नहीं है तो दोनों को हमको माइनस करना है, अलग अलग नहीं है, इसी में ये लंबाई है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई अब इतनी है और चौड़ाई, वाई टू का मान कहां से रखेंगे, इससे, वाई टू की जगह कितना रख देंगे एक्स, वाई वन का मान किससे रखना है, परवले से, वाई वन मीन्स परवले का मान कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, क्या दोनों का अलग अलग समाकलन हम जानते हैं, 100% जानते हैं, टू इंटू एक्स का समाकलन, एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या रख देना है, जीरो से एक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो आ जाए वही इसका आंसर है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो आ जाए वही इसका आंसर है। क्वेश्चन देखिए टफ नहीं होंगे, अनुप्रयोग में क्वेश्चन टफ नहीं होंगे, बस हम ग्राफ बना लें, फिर पॉइंट कैसे मिले तो दोनों वक्रों को हल करना पड़ेगा, अब अगले चैप्टर में जाएंगे तो और बड़े बड़े सॉल्यूशन मिलेंगे, दोनों वक्रों को हल करने में टाइम लगेगा, फिर ग्राफ बनाए तो आंसर देना आसान है, अगर नीचे से नहीं टच है तो y2 माइनस y1 किस किस लाइन से जुड़ा है, क्या क्या है, वो हमको ग्राफ बनाने से ही क्लियर होगा, तो अल्टीमेटली फंक्शंस के ग्राफ आपको आने चाहिए। इसमें एक मान और निकाला जा सकता था, कैसे निकाला जा सकता था, माइनस एक्स रखने पे तो क्या आता, माइनस वन कॉमा वन और जीरो जीरो ना, जीरो जीरो ये, पर एक तरफ का निकाल लें और आंसर निकाल लें, तो इसको हल करें, अपर लिमिट हो जाएगी आपकी वन, तो वन बाय टू, लोअर लिमिट में क्या हो जाएगा, जीरो जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ना, और टू इंटू है, टू इंटू बाहर से है ही, तो इसका आंसर क्या आ गया, थ्री माइनस टू, वन बाय सिक्स, वन बाय थ्री वर्ग इकाई। हम आंसर किसी के नहीं मैच कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि पीछे तो देखे नहीं रहे, तो ये इसका आंसर है, फाइनली ये इसका आंसर है। आपके दिमाग में जहाँ पर डाउट हो आप पूछिएगा, उसके बाद आगे करेंगे, मतलब करते रहेंगे इसी तरीके से एक्सरसाइज 8.1। अब बढ़ेंगे 8.2 की तरफ, आप देखिए बचे हुए सवालों में कोई पूछना है, नहीं पूछना, सबके आंसर मैच कर रहे हैं, यही आंसर है, 1/3 वर्ग इकाई, आसान था क्वेश्चन, उसकी कंडीशंस अगर हमको पता है कि ग्राफ कैसे बनता है, अगर कंडीशंस नहीं पता तो फिर क्वेश्चन तो टफ है। आखिरी करना चाहे तो आखिरी कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 विकल्पी वाला ना, थोड़ा सा अलग है, इसमें एक्स अच की जगह पहली बार वाई अच लिखा है, चेक तीसरा क्वेश्चन भी तो ऐसा था किया था, फिर भी एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इधर है लगा हुआ है, इसके बाद फिर आपको लिमिट समाकलन तो खुद से ही सीखना पड़ेगा, तरीके बस यहां बताए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, वाई स्क्वायर बराबर 4x, दूसरा क्या है, एवं वाई एच से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, एवं रेखा वाई बराबर 3, क्या इसका कोई ग्राफ बना सकता है, 100% बना सकते हैं,
सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, परवलय। परवलय किस टाइप का बनेगा, इस टाइप का ना, इधर की ओर, क्योंकि वाई स्क्वायर है। अच्छा y बराबर तीन कौन सी लाइन है, x अक्ष के समांतर रेखा का समीकरण होता है y बराबर ना, तो ऐसा कहीं ना कहीं से जाएगी, तो ये क्या मान लेते कौन सी लाइन है y बराबर तीन। अच्छा इसमें किस क्षेत्र का क्षेत्रफल है निकालना है, सवाल पढ़ लीजिए बताइए। एक ये परवल है, एक ये लाइन और y अक्ष, तीनों का उभयनिष्ठ क्षेत्र कौन सा आएगा, ये वाला आएगा। y अक्ष मीन्स ये, लाइन मीन्स ये, परवलय मीन्स ये, इनके बीच का यही तो क्षेत्र है। अब इस क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो फिर से पट्टी काटनी है। देखिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, तो उसमें y2 माइनस y1 करना पड़ता है, इसमें एक सिंपल है ये, ऐसे भी तो काटी जा सकती है। अच्छा इसको इस बार क्या लिख सकते हैं, x, और इसको क्या लिखेंगे इस बार, डी वाई, क्योंकि ये छोटी सी ऊंचाई है ना ये वाई में, एक्स डी वाई, तो घिरे भाग का जो क्षेत्रफल आएगा वो तो आएगा वाई डी एक्स, और लिमिट कहां से कहां तक रखनी है, तो इस बार सॉरी एक्स डी वाई गलत लिख दिया, एक्स लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई एक्स है, छोटी सी ऊंचाई को है वाई माना जाता है, मतलब लगभग ये पट्टी आयताकार लगेगी, लंबाई गुणे चौड़ाई, लिमिट किसकी रखनी है वाई की। अच्छा y की लिमिट यहाँ पे तो निर्देशांक लिख दें, यहाँ के निर्देशांक क्या होंगे, यहाँ क्या होंगे 0.3, तो y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, फ्रॉम 0 to 3 एक्स डी वाई, y की लिमिट आपकी वेरी कर रही है 0 to 3, और इसका आंसर कुछ ऐसा है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, किसको सिर्फ टच कर रहा है, इसको टच कर रहा परवलय को, तो x की वैल्यू आ जाएगी y स्क्वायर अपॉन 4, बाहर भी लिख सकते हैं y स्क्वायर का समाकलन y क्यूब बाई 3, लिमिट 0 से 3, 9/4 वर्ग इकाई। ऑप्शन नंबर सेकंड, लिमिट रखेंगे, हल करेंगे, ये इसका आंसर है। तो ये रहे एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 6 इस क्वेश्चन के बाद आपको मिलेगा, और हम एक्सरसाइज 8.2 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जब भी हम समाकलन के अनुप्रयोग के क्वेश्चंस करते हैं तो सबसे पहले ग्राफ बनाना पड़ेगा कि कौन सा रीजन है, क्या है, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें तीन चीजें दी गई हैं, ये आपका किसका समीकरण है, वृत्त का, ये किसका समीकरण है, रेखा का, और ये रेखा कहाँ से होकर जाएगी, मूल बिंदु से। मूल बिंदु से क्यों होकर जाएगी, एक चीज आपको बताई गई, यदि रेखा इस फॉर्म की है ax प्लस by बराबर 0 ना, अगर रेखा इस फॉर्म की है तो हमेशा कहाँ से जाएगी, मूल बिंदु से, कब, जब अचर पद का गुणांक शून्य हो। तो इसमें अचर पद का गुणांक शून्य है, एक्स है, वाई है, सी नहीं है, और एक्स अक्ष का मतलब यही है, एक्स अक्ष वाई अक्ष, तो हमें पहले इन तीनों के ग्राफ बनाने हैं। तो अगर देखें इसका ग्राफ बनाया जाए तो कुछ ऐसा बनेगा, इस वृत्त का केंद्र क्या होता है, 0 0, त्रिज्या क्या होगी, 2 होगी ना, तुलना अगर कर दें तो इस तरीके से, ऐसा कुछ। अच्छा इस रेखा का ग्राफ बनाए तो कैसा होगा, x बराबर √3y। अच्छा पहला इसका ग्राफ बना, फिर इसका ग्राफ बना, ये आपका रेखा का ग्राफ है x बराबर √3y, इसकी प्रवणता √3 होगी, y बराबर mx, ये 1/√3, वो हमको नहीं जानना है। इनके बीच में इस वृत्त, इस रेखा और x अक्ष के बीच में कौन सा हिस्सा आता है, ये हिस्सा आता है, हमको इस हिस्से का क्षेत्रफल है ज्ञात करना है, इस रेखा और इस वृत्त के इस हिस्से का क्षेत्रफल हमको निकालना है। अब बात आती है कि क्षेत्रफल कैसे निकालें, तो इसमें देखिए सिमेट्रिकल नहीं है,
इधर जो रीजन बन रहा है इसके नीचे, थोड़ा सा इसको पॉइंट आउट कर दे जहां पे ये काटेंगे, कहीं ना कहीं पे काटेंगे कि नहीं काटेंगे। जहां पर ये काटेंगे तो यहां पर दो रीजन बने, ये पहला रीजन, ये दूसरा रीजन, ठीक है ना। इन दोनों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल लें और जोड़ दें। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक पट्टी काटते हैं, ऐसा कुछ, एक पट्टी इधर काटी, एक पट्टी इधर काटी। अच्छा, ये जो भी इधर का रीजन बन रहा है किस वजह से बन रहा है, इस रेखा की वजह से। हाँ, त्रिभुज भी डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से निकाल सकते हैं, अगर हमको पट्टी वाला सूत्र नहीं लगाना है। और दूसरा किस वजह से बन रहा है, इस परवलय की वजह, इस वृत्त की वजह से बन रहा है। तो इस रीजन का प्लस इस रीजन का। अब सवाल ये आता है कि ये दोनों काटेंगे कहाँ पर, ये वृत्त और ये रेखा दोनों एक दूसरे को कहाँ पर काटेंगे। तो हमको क्या करना पड़ेगा, वृत्त के समीकरण और रेखा के समीकरण को हल करना पड़ेगा। इसको मान लें समीकरण एक, इसको मान लें समीकरण दो। समीकरण दो से एक में मान रखने पर, जैसे ही दो से एक में मान रखेंगे तो x की जगह कितना रख देंगे, √3y का होल स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, 3y² + y² = 4। और इसको और हल कर लें तो 4y², इसको इधर ले आए तो माइनस ना 3y² y² ऐसे तो कुछ होगा। दोनों में क्या कॉमन है, 4। ये डायरेक्ट लिख दें, y² = 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा, +-1। तो y की जो आपकी वैल्यू आई +-1 आई। अब y की वैल्यू रख दें तो x की दो वैल्यू आ जाएंगी, दो वैल्यू क्या आ जाएंगी y का मान रखने पर, +-√3। इस पे जैसे उठा के रखेंगे तो एक रखेंगे तो √3 आएगा, तो 1, √3 ये होगा। जब √3, 1 होगा, √3 है जब y 1 है, जब y -1 है तो x कितना है, -√3। ये पॉइंट कहाँ मिलेगा, तीसरे में, दो जगह काटेगी नहीं काटेगी, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -√3, -1। हमको सिर्फ इतने हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा, मैं कहूँ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, √3, 0। दो हिस्से आपके बन रहे हैं, पहला हिस्सा दूसरा हिस्सा। अच्छा, इस हिस्से का क्षेत्रफल आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, अगर समाकलन का प्रयोग नहीं करना तो भी हम डायरेक्ट इस हिस्से का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल से, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। अच्छा, आधार कितना होगा यहाँ पे, √3। ऊंचाई कितनी होगी, 1। तो सीधा सीधा इधर के हिस्से का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, √3 × 1। और इसका निकालना, तो इसका डायरेक्ट कोई सूत्र नहीं है, लेकिन ये पट्टी हमने काट ली है, काट ली है कि नहीं काट ली है, सिर्फ इतने हिस्से का निकालना है। तो इसको मैं क्या मान लूँ, वाई, और ये नीचे का हिस्सा क्या हो जाएगा, dx। ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 2, 0। इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 2 ना, x² + y² = r² से तुलना करने पर, तो इस वृत्त की त्रिज्या होगी 2, तो ये हो गया 2, 0। तो हम लिख लेते हैं, अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल डायरेक्ट लिख देते हैं, इस त्रिभुज का प्लस इसका। अच्छा, इसका बिना त्रिभुज के निकालना होता तो कैसे करते, y dx, दो अलग अलग पट्टियां। अब y का मान रखते कहां से, रेखा से, किससे टच है ये, रेखा से, और ये वाले किससे, वृत्त से। तो इस बार y का मान निकालना है तो यहां पे लिख सकते y लाइन, और इसको क्या लिख देते, y सर्कल, कि हमारे कंफ्यूजन्स खत्म रहे। और डायरेक्ट लिखे तो y लाइन dx। अच्छा, लाइन की लिमिट कहां से कहां तक वेरी करेगी, x की, dx है तो x की लिमिट रखना है 0 से √3। तो यहां पे क्या लिख देंगे, 0 से √3 प्लस इसको क्या बोल देंगे, वाई सर्किल, और इसकी लिमिट कहां से कहां वेरी करेगी, √3 से 2, dx ना, √3 से 0। अब दोनों के अलग अलग मान रखने हैं, समाकलन करना, हल कर, √3 से 2 एक्स की लिमिट, और दोनों के अलग अलग मान रखने हैं, रख देना, हल कर लेना, जो आ जाएगा वही आंसर है। अगर लाइन से वाई का मान रखें तो कितना आ जाएगा, y का मान, ये लाइन है, x बाई
रूट थ्री डी एक्स, और अगर सर्किल से रखना है तो क्या हो जाएगा, रूट थ्री टू, सर्किल से y का मान कितना आ जाएगा, इधर से इधर जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस में, फोर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बस दोनों के अलग अलग समाकलन करने हैं।